तेजी से पारा चढ़ने के साथ ही सूबे में बिजली का संकट गहराने लगा है। उपलब्धता से कहीं ज्यादा मांग बढ़ने से पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने गांव से लेकर शहरों तक की बिजली आपूर्ति में 5 घंटे तक की कटौती की है। राज्य के बाहर से बिजली लाने के लिए कॉरिडोर की क्षमता न बढ़ने पर भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को अंधाधुंध बिजली कटौती से जूझना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से राज्य में बिजली की प्रतिबंधित मांग लगातार बढ़ती जा रही है। 1 मई को जहां मांग WWW0 VVIP क्षेत्रों को छोड़कर रात में शहर की बिजली लगातार बढ़ती जा रही है, बिजली कटौती से मुक्त नहीं रह पा रहे हैं। गांव के 10 घंटे के शेड्यूल के बावजूद इन्हें दिन में ही औसतन 8-9 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। स्थानीय स्तर पर ओवरलोडिंग और जर्जर तारों के चलते इससे भी अधिक कटौती से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष बनारस से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बिजली की किल्लत एक बार फिर से यूपी में गहराती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बनारस में इस समय बिजली ना के बराबर है। आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 36 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक की बिजली गायब रहती है। हर इलाका बिजली से इसमें परेशान है, ना उनको पीने का पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, काफी परेशान है। यहाँ तक जितने भी पावर हाउस हैं वहाँ पे आम जनता जाके धरने भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली आने का नाम नहीं ले रही है। जी आशुतोष, जिस तरह से लगातार अंधाधुंध बिजली कटौती हो रही है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को? देखिए, बिजली न मिलने से बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर वहीं पानी नहीं मिल रही है लोगों को पीने के लिए, रहने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। धूप इतना तगड़ा है, इतनी तेज है कि आदमी बिना पंखे के रह नहीं सकता, और ऊपर से बिजली नहीं है, तो यहाँ पे आम जनता को जीने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बिजली न होने का। जाहिर सी बात है, आशुतोष, बिजली कटौती के चलते व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा होगा, व्यवसायियों से आपने बात की? जी बिल्कुल, व्यवसायियों से सुने तो उनका कहना है कि बिजली न होने से उनके काम में काफी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, वो उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा, जिस वजह से उनके जो टारगेट होते हैं महीने भर के वो पूरे नहीं हो रहे और वो काफी नुकसान में चल रहे हैं। जी आशुतोष, जिस तरह से सीएम अखिलेश यादव ने ये दावा किया, ये वादा किया कि 16 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, लेकिन बिजली की किल्लत लगातार गहराती नजर आ रही है, आखिर इस किल्लत से निजात कब मिलेगी? जी देखिए, बिजली विभाग के अधिकारियों के अगर माने तो उनका कहना है कि अंडरग्राउंड जो वायरिंग गई हुई है उसमें ब्लॉकेज हो गई, जिस वजह से बिजली देना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बहाना उनका हर साल का होता है, और हर गर्मी में उनका बस यही एक बहाना होता है कि तार खराब हो गया है, वायर टूट गया है, जिस वजह से बिजली नहीं दे पा रहे हैं। जी आशुतोष, जो अधिकारियों का ये तर्क निकल कर सामने आया कि जो अंडरग्राउंड वायर गए हुए हैं वो टूट जाने की वजह से बिजली कहीं ना कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, तो वो ठीक भी हो सकते हैं क्या? आपने ये पूछा कि कितने दिनों में ये ठीक कर लिया जाएगा जिससे बिजली की समस्या से आम जनता को जूझना नहीं पड़ेगा? पूछा गया तो उनका कहना है कि पहले तो हमें ये पता करना होगा कि बिजली का तार कहाँ से टूटा है, और उसके लिए पूरे सड़क के किनारे से जो वायरिंग गई है उसे गड्ढा करना पड़ता है, जिस वजह से लोगों को चलने में भी दिक्कतें होती हैं, और बनारस की सड़क इस समय खड़ी हुई भी है, लोगों को चलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीधे यही कहते हैं कि तार ढूंढा जा रहा है, अभी तक मिला नहीं है, जब तक लगभग पूरे इस प्रक्रिया में 15 से 30 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ से 1 महीने से ऊपर हो चुका है बनारस में बिजली के लिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से प्रदेश सरकार ने यह दावा किया कि 16 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, लेकिन किस तरह से जैसे जैसे पारा चढ़ता नजर आ रहा है वैसे वैसे बिजली का संकट गहराता जा रहा है, तो आखिर कब बिजली संकट से निजात मिलेगी ये अभी फिलहाल तय नहीं है।